भाई साहब अंकुश जी हैं जो अभी आपको गंगा मैया के डुबकी लगा कर दिखाएंगे। सर्दी के कारण इनका बहुत बुरा हाल हो रहा है, गला इनका खराब है, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की है कि हम आज जो पास तेरे वही तेरा बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया तन मिट्टी है मन माया। अगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। अभी गंगा में स्नान करके अभी हम निकल गए हैं मनसा देवी के मंदिर की तरफ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मनसा देवी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे घाट है, अलग अलग घाट बने हुए हैं। यहाँ घाट पे सुबह और शाम को दोनों टाइम आरती होती है, माँ गंगा की आरती होती है। सभी लोग यहाँ माँ गंगा की आरती का लुत्फ उठाते हैं। तो यहाँ आप देखिए, पीछे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, वो जो देख पा रहे हैं वो वहाँ का ही है, मेन लोकेशन का मंदिर है। बने रहिए चैनल पे और हम आपको एक से एक झलके दिखाएंगे हरिद्वार की। तो आगे मिलते हैं मनसा देवी के मंदिर में, उड़न खटोले में दिखाएंगे। तो मेरे सामने देख रहे हैं उड़न खटोले का टिकट काउंटर है, अभी हम उड़न खटोले में टिकट लेंगे और फिर मिलते हैं उड़न खटोले के अंदर, फिर आपको दिखाएंगे ऊपर के नज़ारे।
अभी हमारा उड़ने खटाना उड़ चुका है, टेक ऑफ कर चुका है। अभी पीछे देखिए बैग में कितना खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए बैग में पूरा हरिद्वार नज़र आ रहा होगा आपको। देखते रहिए, देख खूबसूरत वादियों की खूबसूरत नज़ारे। भाई साहब आप आइए देखिए यहाँ की वादियों की खूबसूरत नज़ारों की सैर कीजिए आप। पीछे आपको हरिद्वार का पूरा मंजर नज़र आ रहा होगा दूर तक। यहाँ नीचे के देखिए, यहाँ खूबसूरत पहाड़ देखिए। ये भाई साहब एक नंबर का सीन है, बिल्कुल ज़बरदस्त। देख सकते हैं पूरा हरिद्वार कवर हो रहा है यहाँ से। वो सामने आपको दूर तो दिखाई दे रहा है। सुबह के 7 बजे हैं तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि वो लोकेशन जो आपको देख रहे हैं अभी हल्की हल्की धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है। और मैं आपको फॉग बिल्कुल भी नहीं है, एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लियर है, सुबह की अच्छी धूप खिली हुई है। अगर आप दूर की बात करेंगे तो दूर पे देखो, अगर आप देखना चाह रहे हो तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना ज़्यादा फॉग यहाँ पर हुआ है, लेकिन पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर। ये पॉल्यूशन फ्री के लिए ही हम लोग घूमने आते हैं पहाड़ी एरिया, शांति के लिए इस पहाड़ी एरिया में आए हुए हैं, क्योंकि मन को थोड़ा शांति मिला। हम प्रसन्नचित हैं और हमारा मन बहुत खुश है। हम बहुत ये हम एक साधु संत मिले हैं, हम इनसे अपने विचार आपको बता रहे हैं। माता जी के भवन यहाँ आ गए हैं, हम पहुँच गए, बहुत जल्दी पहुँचे भैया। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम देखो बेलगिरी का पेड़, इतनी ऊंचाई पे बेलगिरी लग रहा है भैया। स्टार्ट हो गई है, अभी हम माता के अंदर जा रहे हैं मंदिर में प्रवेश द्वार पे। थोड़ी क्राउड है आगे है बट क्राउड मिलते हैं। जय माता की, कुल मंशा माई की जय। भाई महामाई के दर्शन करना हर कहीं के बस की बात नहीं है, ये श्रद्धा पूर्ण भक्ति भावना से ही होता है। तो इसलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे आप क्राउड देखो, क्राउड आप क्राउड काफी है। हवन पिंड में रहा है
देखते हैं आगे माता के भवन में पहुंच रहे हैं। मनसा देवी का मंदिर है के खूबसूरत मंदिर है। महाराज हमारा फूल
ना जाने रे कहाँ तुम्हारो हो गयो बाजू बंद। भाई साहब ये आगे खूबसूरत वादियों की खूबसूरत नज़ारा, आप उधर से आए थे आप देख पा रहे हो वो ब्रिज जहाँ ओम बना हुआ है दूर दिखाई दे रहा होगा, वो ब्रिज क्रॉस करके हमें आना पड़ा यहाँ पे। अब मिलते सीधा धर्मशाला के अंदर, कुमार धर्मशाला में अभी ठहरे हुए हैं, धर्मशाला का बड़े काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और अभी हम यहाँ से रवाना भी कर रहे हैं और अभी हम जाएंगे नैना देवी के लिए रवाना हो रहे हैं। नैना देवी के लिए रवाना की करने के बाद फिर मिलेंगे हम, आगे चलेंगे हिमाचल के लिए रवाना होंगे, वो भी हिमाचल में पड़ता है। ये हमारे मिस्टर विजय नाथपुरिया जी हैं, ये अपने बारे में बताएंगे। बहुत बढ़िया टूर है, आप भी आओ बार बार। आपको कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। इस टूर पे आ रहे हैं, कितनी बार आ चुके हैं आप? इस दूसरी बार। दूसरी बार, अरे आपके मन में कैसे आया कि चलना है? बढ़िया लगा शुरू। अच्छा, बंद हो तो आपको बढ़िया लगा जब आपके मन में आया, और आप किसी और को मोटिवेट भी करेंगे कि आप आ सकते हैं? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा इसलिए और को बताएंगे क्या। तो ऐसा ही है सभी जगह घूमने के दिन, नवरात्रों में ज़्यादातर काफ़ी भीड़ भी रहती है और नौ देवी का दर्शन करना तो काफ़ी अच्छा है सभी लोगों के लिए। बिल्कुल बढ़िया, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है जो भी बंदा बनाए दर्शन करे कम से कम, पता तो लगे लोगों को भी हाँ भाई नवरात्र में देवी का दर्शन करना, ये भी सौभाग्य की बात है, हर कोई ये थोड़ी जा सकते हैं, जिसको वो बुलाते हैं उसी को वही जाता है, वो सब अपने घर में ही रहते हैं। आपका क्या प्लान था? आप तो पूरी काटने के लिए आ रहे थे, कोई नहीं हमारी तो ठीक है, बने रहिए वीडियो पे, आगे देखते मिलते हैं।